तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे कि ये कहता है कि लिक्विड ए है इन ए कंटेनर जो है, अगर एक ट्यूब को हम सबमर्ज करते हैं तो ये हाइट h1 5 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज करता है। इफ द ट्यूब डिप इन सिमिलर मैनर अनदर लिक्विड बी, अब सरफेस टेंशन डेंसिटी डबल, मतलब ये जो लिक्विड है अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इस वाले लिक्विड की डेंसिटी 2 टाइम्स रो है, ठीक है। डेंसिटी डबल, सरफेस टेंशन, अगर इसकी सरफेस टेंशन s है तो इसकी सरफेस टेंशन 2s है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट θ1 है और यहाँ पर θ2 है। तो कहते हैं हाइट ऑफ द लिक्विड h2 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो हाइट जो राइज होता है h, उसकी फार्मूला क्या होती है? उसकी फार्मूला होती है 2s cos θ और डिवाइडेड बाई रो जी आर, ठीक है। 2s सरफेस टेंशन cos थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो डेंसिटी जी एक्सलेशन डी टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो अगर यहाँ से देखोगे तो h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा अपॉन मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन और डेंसिटी रो, मतलब यह आ जाएगा h2 अपॉन h1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos θ2 अपॉन cos θ1 एंड ये s2 अपॉन s1, और डेंसिटी यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी यहाँ से आ जाएगा rho1 अपॉन rho2। तो अगर तुम देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो दिया नहीं है, क्योंकि जब से ही लिक्विड चेंज करोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। तो नेगलेक्ट दिस वैल्यू, यहाँ पर नेगलेक्ट करता हूँ, इसकी कुछ फिनिट वैल्यू होगी। तो यहाँ से तुम देखोगे तो h2 अपॉन h1 की जो वैल्यू आ जाएगी s2 मतलब जो है 2s है और ये s था s1, और डेंसिटी तुम देखोगे तो डेंसिटी कितनी थी? बाई रो थी, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स रो। बात आ रहा समझ में? तो 2 टाइम्स रो तुम देखोगे तो ये पूरा सब कट कुट के आ गया, तो h2 = h1 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर के मीटर आ जाएगा। तो ये जो 0.05 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली ये सही है, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कर सकते हो, ये देना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।